हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर, माय सेल्फ मनीष। तो अभी हमने एक्सरे स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं बीएससी फाइनल ईयर लोग के लिए यहाँ पे कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है। और ये जो लेक्चर है, ये आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर का। हमने जितना भी थ्योरी वाला पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया। इस लेक्चर में क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जो कि जो CSIR नेट वाला एग्ज़ाम हो गया, या गेट वाला एग्ज़ाम हो गया, या फिर IIT JEE वाला एग्ज़ाम हो गया, या फिर इवन तुम्हारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी इसको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे देख लेंगे, बहुत ही इजी सब हम लोग न्यूमेरिकल यहाँ पे देखते हैं। तो मैं जितना भी यहाँ से पहले जो लेक्चर कराया हूँ, उसमें जो फार्मूला आया हुआ है, उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, उसमें इसका यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। तो अभी मैं पाँच छः न्यूमेरिकल यहाँ पे करा देता हूँ, बाकी अब जो बचेगा उसको आप बुक से देख के कर लेना, ठीक है। तो क्या करता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन है, मैं उसको स्क्रीन के ऊपर में शो कर देता हूँ, ठीक है, वाइट बोर्ड के ऊपर में, ताकि लिखने का टाइम हमारे पास बच जाए। और मैं क्या करूँगा, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन करा दूँगा। सॉल्यूशन आप लोग देख लेना, ठीक है, नोट डाउन भी कर लेना। तो देखो, सबसे पहले मैं इसका पहला क्वेश्चन बताता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में भी शो हो रहा होगा, ठीक है। तो इसका देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। उससे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, मैं क्वेश्चन बुक से देख कर पढ़ता हूँ, आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी एक्स किरण नलिका से एक एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए आवश्यक त्वरक विभव की गणना करना है। क्या दिया गया है इसमें, सबसे पहले निकालना क्या है, आवश्यक त्वरक विभव, मतलब हमें वोल्टेज का मान निकालना है। और दिया क्या गया है, किसी एक्स किरण नलिका से एक एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य, मतलब हमको यहाँ पे लैम्डा का मान दिया गया है, जो लैम्डा मिनिमम बोल सकते हो, या तो लैम्डा, उसका मान हमको दिया गया है कितना, एक एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और निकालना क्या है, त्वरक विभव निकालना है। उसके बाद कुछ वैल्यू भी दिया गया है, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, आपको इसको याद करना है। इसको दिया चाहे मत दिया गया, लेकिन इसको याद होना चाहिए। एच का मान जो कि आपको याद ही होगा, 6.6×10^34 जूल सेकेंड, ठीक है। और सी का मान क्या होता है, 3×10^8 मीटर। ई का मान जो होता है, 1.6×10^19 कूलम। तो इसका मान हमको मालूम है पहले से, और हमको निकालना क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले कैसे लिख देंगे यहाँ पे, गिवन या तो दिया है, ऐसा भी लिख सकते हो अगर हिंदी में लिखना चाहते हो। तो क्या दिया है भाई, लैम्डा मिनिमम का मान दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, एक एंगस्ट्रॉम, या तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगस्ट्रॉम को मैं मीटर में चेक कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो एक एंगस्ट्रॉम मतलब 10^10 मीटर, ठीक है, ये आपको पता होगा पहले से ही। उसके बाद हमको निकालना है वी का मान, त्वरक विभव का मान, वोल्टेज का मान, विभवांतर का मान, ये हमको निकालना है। तो सीधा सी बात है भाई, इसके लिए मैं एक फार्मूला बताया था, डाउने एंड हंट लॉ, उस वहाँ से यहाँ सीधा निकल जाएगा। क्या था भाई डाउने एंड हंट लॉ, तो यहाँ पे लिख सकते हो, वी नो दैट, देख लेना हिंदी इंग्लिश जिसमें लिखना होगा, मेरा भी क्या हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जा रहा है, ठीक है। तो वी नो दैट डाउने एंड हंट लॉ क्या था भाई, डाउने एंड हंट लॉ, जो लैम्डा मिनिमम का मान था वो किसके बराबर था, HC/EV, इसके मान के बराबर था, याद आया, ये लो फार्मूला में बताया था, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, लैम्डा मिनिमम का मान हमको गिवन है, V का मान निकालना है, H का मान हमको मालूम है, C का भी मान मालूम है, E का भी मान मालूम है, तो यहाँ से V का मान निकल जाएगा। यहाँ से देखो मैं V को इधर भेज दूँ, और क्या बच जाएगा, लैम्डा मिनिमम को मैं नीचे कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा लैम्डा मिनिमम। अब सबका बस मान बस रखना है, तो एच का मान हमारे पास क्या होता है, 6×10^34 जूल सेकेंड, तो उसका मान रख दिए। सी का मान क्या होता है, 3×10^8 मीटर सेकेंड, ठीक है, तो इसको रख दिए। उसके बाद लैम्डा मिनिमम का मान हमको गिवन है, क्या दिया है, उससे पहले यहाँ पे ई का मान, ठीक है, ई का मान मैं वहाँ भूल गया, तो ये हो जाएगा ई। तो ई क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1.6×10^19 कूलम, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे लैम्डा मिनिमम का मान 1×10^10 मीटर, तो बस मान बस रख दिए। इसके बाद सिंपल से इसको हमको कैलकुलेशन करना है। देखो यहाँ पे का थोड़ा पॉइंट वाला चीज़ आ गया, तो पॉइंट वाला चीज़ आ गया, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको कैलकुलेटर गिवन रहेगा, या तो फिर इसका जो कैलकुलेशन है उसको आपको खुद से करना पड़ेगा। तो यदि मैं इसका सोल्यूशन करूँगा तो इसका मान कितना आएगा, तो देखो मैं अप्रॉक्स सोल्यूशन बता देता हूँ, या तो आंसर देख के लिख देता हूँ, आप लोग कैलकुलेटर से इसका सोल्यूशन निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर 6×3/1.6, ये हम लोग पहले करेंगे, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा, और 1×10^8 तो गिन लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 10^34 है, ठीक है, और ये 8 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे 8 मैं जोड़ दूँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 ऊपर में, ठीक है, और नीचे में 10^19 है, और 10^10 है,
तो कितना हो जाएगा ये 10^(-29), और चूंकि ये ऊपर जाएगा तो धन हो जाएगा, तो यहाँ पे जुड़ जाएंगे तो ये 29 हो जाएगा। तो अब बता टोटल कितना आएगा, 10^3। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 10^3। ये समझ में आया क्या, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है, इसको मैं देख के बता देता हूँ। तो इसका वैल्यू कुछ आता है 12.375, इसको हम लोग शायद थ्योरी कराते टाइम निकाले भी थे, ठीक है, वही वैल्यू है यहाँ पे। तो 12.375 ये वैल्यू आएगा। या तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं गुणा कर दूँ अंदर में, या तो गुणा मत करो, क्योंकि ये हम क्या है वी का मान निकाल रहे हैं, वोल्ट का मान निकाल रहे हैं, सॉरी विभव का मान निकाल रहे हैं। विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 12.375 गुणा 10^3 को मैं लिख सकता हूँ किलो वोल्ट। तो ये हो जाएगा kV, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर किलो वोल्ट में। तो देख लो इस प्रकार से न्यूमेरिकल बनेगा, छोटा सा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी ये न्यूमेरिकल बन पाएगा। लैम्डा मिनिमम इक्वल टू HC/EV, ठीक है। तो ये हो गया न्यूमेरिकल। इसके बाद देखो दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल स्क्रीन में शो करता हूँ मैं। तो देखो दूसरा न्यूमेरिकल दिख रहा होगा, क्या दिया है दूसरा न्यूमेरिकल में, तो देखो दूसरा न्यूमेरिकल दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है। एक एक्स किरण नलिका पर 20 किलो वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो एक्स किरण की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है। बस जो अभी क्वेश्चन जो बताएं सिमिलरली ये भी क्वेश्चन है, इसमें क्या किया है, जस्ट रिवर्ट कर दिया गया है। क्या रिवर्ट कर दिया गया है, गिवन क्या है यहाँ पे, इस बार विभव का मान दिया गया है, विभवांतर का मान दिया गया है, वोल्टेज का मान दिया गया है। तो क्या दिया गया है, वोल्टेज का मान वो दिया गया है 20 किलो वोल्ट। या तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 20 किलो वोल्ट मतलब ये 20 और किलो मतलब 1000, तो यहाँ पे 3 शून्य, ये वोल्ट, ये वोल्ट वाला भी है, ठीक है, और ये विभव का सिंबल है। तो ये हो गया। अब हमको निकालना है लैम्डा मिनिमम का मान, बस लैम्डा मिनिमम का मान निकालना है यहाँ पे। तो बस अगेन फिर से क्या करेंगे, डाउन एंड हंट लॉ लगा देते हैं, ठीक है, डाउन एंड हंट लॉ क्या हो जाएगा, डाउन एंड हंट लॉ से जो लैम्डा मिनिमम का मान होता है वो होता है HC/E×V, ये होता है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, H का मान रख देंगे अगेन 6.6×10^34, C का मान रख देंगे 3×10^8, और E का मान रख देंगे 1.6×10^19 कूलम, और V का मान हमको गिवन है, कितना गिवन है भाई, तो इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, और 2×10^4 ऐसे लिख सकता हूँ। यदि इसी फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे तो हमको कैलकुलेशन आसानी हो जाएगा, तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2×10^4। बस इसको सॉल्व बस करना है, सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 6.6×3 कर देंगे, भागी 1.6 और भागी 2 कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आता है मैं एक बार बता देता हूँ देख के, इसका आंसर आएगा समथिंग 6.1875, 6.1875 10^11 मीटर, ठीक है। ये आप लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करना तभी समझ में आएगा, और इसको तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है, कैसे कर लेंगे, यहाँ 34 है, यहाँ 8 है, तो कितना हो जाएगा वो 26 हो जाएगा, 26 है ये ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 में से 19 जाएगा तो ये ऊपर 19 हो जाएगा, तो 30 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, 11। तो यहाँ पे 6.1875×10^11 मीटर इसका मान आएगा। ये किसका मान है, लैम्डा मिनिमम का मान है। देखो ये 10^11 चाहो तो इसको एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं, क्योंकि लैम्डा का मान हम लोग जनरली एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं जैसे लिखना चाहूँ तो कैसे लिख दूंगा, चूँकि 10^10 बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10^1×10^10 मीटर। अब ये तो 10^10 मीटर है, इसको मैं एंगस्ट्रॉम लिख लूँगा, और ये जो 10^1 है इसको मैं 1/10 ऐसे लिख सकता हूँ, और ये यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.61875, और ये हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, लैम्डा मिनिमम का मान, ठीक है। तो कितना इजी सा न्यूमेरिकल है देख सकते हो, डाउन एंड हंट ला अगेन यहाँ पे यूज़ हुआ है, ये मान आपको होना चाहिए याद तभी ये बनेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, इसको मिटा के मैं दूसरा न्यूमेरिकल बताता हूँ।
तो देखो तीसरा न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा, क्या दिया तीसरा न्यूमेरिकल में, एक एक्स किरण नली पर 60,000 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। कोई एक नली है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं 60,000 वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं, मतलब वी कमान क्या गिवन है 60,000 वोल्ट। और क्या बोलता है, उसमें एनोड धारा 50 मिली एम्पियर है, ठीक है, एनोड धारा पर आई का मान क्या है भाई 50, मतलब एनोड पर जो धारा का मान वो कितना है 50 मिली एम्पियर है। एनोड पर उत्पन्न ऊष्मा की दर ज्ञात करना है यदि इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है। तो देखो एकदम इजी सा है क्वेश्चन, बस थोड़ा बड़ा दिख रहा है हमको, इसमें बेसिकली निकालना क्या है ऊष्मा का मान निकालना है, जितना ऊष्मा हमको प्राप्त होती है। तो ऊष्मा क्या होती है, एनर्जी होती है, एनर्जी क्या होती है भाई कार्य के रूप में होती है, पावर बोल सकते हो, तो पावर का मान हमको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो देखो पावर का फार्मूला आप लोग को पहले से मालूम होगा, P इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई, ये आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, क्या होता है P इक्वल टू V इंटू आई, V क्या है वोल्टेज रहता है, I क्या रहता है यहाँ पे धारा रहता है या फिर करंट बोल सकते हो, ठीक है, चूंकि P इक्वल टू V इंटू आई, P क्या है पावर, V क्या रहता है वोल्टेज और I क्या रहता है करंट, ठीक है, तो बस इसी फार्मूला का यूज़ करना है। तो देखो क्या हो जाएगा भाई, चूंकि P इक्वल टू वी आई होता है, V का मान हमको गिवन है कितना 60,000 दिया है वोल्ट में और I का मान भी दिया है 50 मिली एम्पियर, तो इसको मैं क्या रख दूंगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 10^3 मिली, मतलब 10^3, ठीक है, एम्पियर। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 60,000 और इधर 50 और ये क्या हो जाएगा नीचे आएगा तो 10^3, तो क्या लिख दूंगा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको कट करते हैं तो ये एक शून्य कट जाएगा, ये दूसरा शून्य, ये तीसरा शून्य, बच के आ गया 5×6=30 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2 शून्य, मतलब 3000 आया, क्या आया ये, फिर ये जो पावर का मान है, पावर का इकाई क्या होता है आप लोग को मालूम होगा वाट होता है ना, तो 3000 वाट, तो हमें 3000 वाट का क्या होगा ऊष्मा प्राप्त होगा या ऊर्जा प्राप्त होगा, ठीक है। तो बस हो गया आंसर, छोटा सा है क्वेश्चन, बस देखा बड़ा सारा है लेकिन आंसर क्या है बहुत ही छोटा सा, तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक्स किरण नलिका में तांबे के लक्ष्य से 1.377 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की एक्स किरणें प्राप्त होती है, ठीक है, कोई एक्स किरण नलिका में तांबे का लक्ष्य है, टारगेट क्या है तांबे का है, उसमें हमको 1.377 एंगस्ट्रॉम का तरंग दैर्ध्य प्राप्त होता है, मतलब हमको लैम्डा मिनिमम का मान यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और पूछा है जबकि नलिका का त्वरक विभव 9000 वोल्ट है, तो यहाँ पे विभव का भी मान दिया गया है, लैम्डा मिनिमम का भी मान दे दिया गया है और विभव का भी मान दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद पूछता है कि प्लांक नितांक की गणना करना है, तो बस वही फार्मूला से यूज़ होगा इसका भी, डाउन एंड हैंड अलाव से ही, ठीक है। इसमें क्या कर दिया गया है, इस बार दूसरे चीज़ को अननोन कर दिया गया है, इसमें लैम्डा मिनिमम का मान दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखना लैम्डा मिनिमम बोलो या तो लैम्डा बोलो एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि एक्स किरण तभी उत्पन्न होगी जब लैम्डा का मान वहाँ पे मिनिमम होगा। तो यहाँ पे कितना मान दिया गया है 1.377 एंगस्ट्रॉम और वी का भी मान दिया गया है, कितना दिया गया है वी का मान 9000 वोल्ट, तो यहाँ पे 9000 वोल्ट। और पूछा क्या है H का मान, तो देखो जो H का मान है ये क्या H एक्चुअली में है क्या प्लांक नितांक है, ये इसका मान फिक्स होता है लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में इसको पूछ दिया है, ठीक है, तो निकाल के बता देते हैं भाई क्या होता है H का मान। तो अगेन हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, डाउन एंड हंट लॉ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा डाउन एंड हंट लॉ में जो लैम्डा मिनिमम का मान था वो किसके बराबर था HC/EV, यहाँ से हमको H अननोन है तो H को मैं एक साइड रख देता हूँ बाकी को दूसरे साइड भेज देता हूँ, तो EV इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा मिनिमम इंटू E इंटू V अपान में C, बस मान बस रखना है। तो लैम्डा मिनिमम का मान क्या है 1.377 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को मैं क्या लिख सकता हूँ 10^10 मीटर और E का मान क्या होता है भाई 1.6×10^19 कूलम, V का मान हमको गिवन है क्या होता है 9000, तो ये हो जाएगा 9000 और अपॉन में क्या है C का मान होता है 3×10^8 मीटर,
ठीक है। तो देखो यहाँ पर मीटर है ना, तो इसको सॉल्व बस करना है। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.377 गुणा 1.6 गुणा 9 बटा 3। तो ये तो यहाँ से कट जाएगा, 3 एक कम, और यह हो जाएगा 3000, ठीक है। और ये 10^8 ऊपर जाएगा, 10^8 हो जाएगा, इसके साथ 10^10 है तो उसको क्या कर देगा, 10^2 कर देगा। खैर इसको कैलकुलेटर कर लेना रफ कापी में, यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 6.61 × 10^34। और इसका यूनिट होता है जूल सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैलकुलेटर से इसको यूज़ करके इसको देख लेना इतना आंसर आता है कि नहीं। ये हमारा ये मान हमको याद भी होना चाहिए, ठीक है, ये फिक्स मान है। तो निकाल के बता दिए कि हाँ ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा मान आता है। तो ये हो गया, ठीक है, कंप्लीट। ये न्यूमेरिकल नंबर 4 था, ये भी हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, एक 5वां नंबर का न्यूमेरिकल देखते हैं जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको समझ सकते हो। तो मैं 5वां स्क्रीन में शो करता हूँ, ठीक है, स्क्रीन में शो हो रहा होगा 5वां न्यूमेरिकल। क्या दिया है क्वेश्चन में, एक एक्स किरण नलिका से उत्पन्न के अल्फा वर्णक्रम रेखा की तरंग दैर्ध्य 0.76 एंगस्ट्रॉम है। के अल्फा वर्णक्रम रेखा की तरंग दैर्ध्य क्या दिया गया है, 0.76 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। नलिका के एनोड के पदार्थ का परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया है ना, जो हमने इसे पहले बताया था उससे। तो देखो ये भी एकदम इजी सा क्वेश्चन है, दिख बस कठिन रहा होगा। तो देखो इसमें क्या करना है, हमको क्या लिख दिया, गिवन है यदि एक्स किरण नलिका से उत्पन्न के अल्फा वर्णक्रम, तो के अल्फा वर्णक्रम, के अल्फा स्पेक्ट्रा आपको मालूम होना चाहिए। के स्पेक्ट्रा में क्या होता है, के अल्फा स्पेक्ट्रा में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एल कक्षा से एम कक्षा, सॉरी एल कक्षा से के कक्षा में होता है ना, बताया था मैं। जैसे ये नाभिक हो गया, ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा, ये तीसरा कक्षा, ये के हो गया, ये एल हो गया, ये एम हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन के कक्षा से एल कक्षा से के कक्षा में जाता है तब हमको प्राप्त क्या होता है, एल अल्फा, सॉरी के अल्फा लाइन। और यदि एम कक्षा से के कक्षा में आएगा तो हमको प्राप्त होता था के बीटा लाइन। इसको मैं एनर्जी लेवल के भी रूप में भी बना सकता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा के, ये हो जाएगा एल, ये हो जाएगा एम, ये हो जाएगा एन। तो एल से के में आता है तो हमको प्राप्त होता है के अल्फा, एम से के में आता है तो प्राप्त होता है के बीटा, और एम से एल में आता है तब हमको प्राप्त होता है एल अल्फा, एन से के में आता है तो एन से इसमें आता है एल में तो एल बीटा। अभी किसके बारे में बात किया गया है, के अल्फा के बारे में। ये क्या होता है, n इक्वल टू 1, ये होता है n इक्वल टू 2, ये होता है n इक्वल टू 3, ये होता है n इक्वल टू 4। तो बस इसी का ही यूज़ करना है। मतलब के अल्फा के लिए n का मान क्या हो जाएगा, 2 से 1 में आ रहा है। मतलब n1 का मान क्या है, 1 है, और n2 का मान क्या है, 2 है। जिसमें से आ रही है उसको n2 बोलेंगे, और जिसमें जा रही है उसको बोलेंगे n1। तो बस इसी का यहाँ पे यूज़ करना है। तो ये समझ में आ गया होगा, इसको मैं मिटाता हूँ अभी। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को तो हमको निकालना है परमाणु क्रमांक जेड। तो उसके लिए आपको फार्मूला मैं पहले बता चुका हूँ, जो क्या होता है फार्मूला। तो ये वाला फार्मूला आपको याद होगा, 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/(n1)² - 1/(n2)² जहाँ पे R क्या होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट, याद है भाई। तो ये फार्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, जेड का मान यहाँ पे निकाल सकते हैं। लेमडा का मान हमको गिवन है, लेमडा का मान क्या गिवन है, तो 0.76 एंगस्ट्रॉम, या तो 0.76 × 10^10 मीटर। और R का भी मान आप लोग को याद होना चाहिए, खैर याद नहीं होगा तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। 1.0 क्या दिया गया है, 1.097 × 10^7 मीटर, धन 7 मीटर, ठीक है, मीटर इनवर्स। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ठीक है, दिख रहा होगा। तो इसका भी मान मालूम है, इसका भी मान मालूम है, जेड का हमको निकालना है। एन वन एन टू का मान अभी निकाले हैं, फॉर के अल्फा स्पेक्ट्रा क्या होता है भाई, एन वन इक्वल टू होता है 1, अभी बताया, एन टू इक्वल टू होता है 2। बस सबका मान हमारे पास है, क्वेश्चन में बस रखना है फार्मूला में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं जेड को निकालना चाहते हैं तो जेड को पहले मैं
एक साइड ले आता हूँ, बाकी सबको दूसरा साइड ले आता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आप बताओ, उससे पहले क्या करते हैं एन वन एन टू का मान यहाँ पर रख देते हैं। तो एन वन एन टू का मान यहाँ पर रखेंगे तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, कैसे, आर जेड स्क्वायर, और यहाँ से बताओ यदि एन वन का मान क्या है, वन है, तो ये हो जाएगा वन का स्क्वायर, ये हो जाएगा टू का स्क्वायर, अगेन क्या हो जाएगा आर जेड स्क्वायर, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो वन अपान वन होगा, ये होगा वन अपान फोर, यहाँ से मैं एल सी एम निकालूंगा तो क्या हो जाएगा फोर, ये हो जाएगा फोर माइनस वन, देन क्या हो जाएगा थ्री बाई फोर, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ थ्री बाई फोर आर जेड स्क्वायर, समझ में आया क्या। और ये साइड क्या था भाई वन अपान लेमडा, तो ये फार्मूला रिड्यूस होके ये फार्मूला बन गया, तो बस वहाँ पे मान बस रखना है, चूँकि वन अपान लेमडा इक्वल टू थ्री बाई फोर आर जेड स्क्वायर, हमको निकालना है जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर को एक साइड रखता हूँ बाकी सबको दूसरे साइड, तो मैं इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा फोर बाई थ्री, और वन अपान लेमडा पहले से है और ये आर क्या है इसके नीचे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वन अपान आर, समझ में आ गया। बस निकालना है मान चार बटा तीन रख दो, और वन अपान लेमडा का मान कितना है हमारे पास 0.76 × 10⁻¹⁰ मीटर, आर का मान क्या है भाई 1.097 × 10⁻¹⁰ मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, ठीक है। तो बस कैलकुलेट करना है, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो किसका मान निकलेगा जेड स्क्वायर का मान निकलेगा, तो आई थिंक इसका मान 1599 कुछ आता है, ठीक है, निकाल के देखना इसको, तो इसको अप्रॉक्स किसके बराबर मान सकते हैं हम लोग 1600 के बराबर मान सकते हैं, ठीक है, जेड स्क्वायर का मान। तो यहाँ से फिर मैं जेड स्क्वायर का मान आ गया, तो जेड का मान क्या लिख सकता हूँ भाई रूट 1600 हो जाएगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 40 का वर्ग मूल होता है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 40। तो जेड परमाणु क्रमांक का मान कितना आ गया 40, 40 आई थिंक जाइक्रोनियम होता है, इसका एलिमेंट कौन सा होता है, जाइक्रोनियम होता है आई थिंक, ठीक है, एक बार चेक कर लेना इसको पीरियोडिक टेबल में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, देखो एकदम इजी सा है, इसमें ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फिर वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये न्यूमेरिकल हो गया, इसको छाप लो। ठीक है, मिटा दूँ इसको। इसके बाद एक लास्ट न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, उसके बाद फिर इस लेक्चर को ओवर कर देंगे। तो लास्ट न्यूमेरिकल मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ, देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है। यदि मोलिब्डनम, ठीक है, एम ओ देखना जो भी बोलते होंगे इसको, जेड इक्वल टू 42 से उत्सर्जित के अल्फा रेखा की तरंग 0.75 एंगस्ट्रॉम है, तो कोबाल्ट के लिए हमको जिसका परमाणु क्रमांक होता है 27 से उत्सर्जित के अल्फा रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है। तो एकदम इजी सा ये है क्वेश्चन, क्या किया गया है, एक परमाणु क्रमांक दे दिया गया है जेड इक्वल टू 42, तो दूसरे परमाणु क्रमांक के लिए तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात करना है। जेड के लिए हमको जेड इक्वल टू 42 के लिए तरंग दैर्ध्य का मान गिवन है और के अल्फा लाइन के लिए, और सिमिलरली 27 के लिए, जेड इक्वल टू 27 के लिए कोबाल्ट के लिए हमको लेमडा का मान निकालना है फॉर के अल्फा लाइन। तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है ये, देखो क्या कर सकते हो, तो इसको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ना हमको डिपेंडेंसी देखना पड़ता है कि कैसे डिपेंड कर रहा है तरंग दैर्ध्य परमाणु क्रमांक पर। तो आप लोग को मालूम होगा मोस्ले लॉ से, ठीक है, क्या था भाई मोस्ले लॉ, मोस्ले नियम, जो इंटेंसिटी होती थी, इंटेंसिटी नहीं आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, वो क्या होती थी परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करती थी स्क्वायर के रूप में। और यदि हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट को ले, स्क्रीनिंग इफेक्ट को ले, तो क्या होता था यहाँ पे बी होता था और ये होता था वर्ग, ऐसे था कुछ, ठीक है। इसको घटा, इसको जब हम लोग करते थे कांस्टेंट हटाते थे तो क्या आता था ए आता था जेड माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ होता था। लेकिन फॉर हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि फॉर के अल्फ़ा लाइन, के अल्फ़ा लाइन के लिए क्या पढ़े थे भाई, जो बी का मान क्या होता है वन होता है, ये पढ़े थे, और बी का मान यहाँ पर रख देंगे, ये बताया था मैं थ्योरी लेक्चर में। और शायद एल अल्फा के लिए बी इक्वल टू 7.4 होता है, ठीक है, ये देख लेना पिछले लेक्चरों में। तो अभी हमको सिर्फ के अल्फा के लिए बारे में बात करना है, तो क्या हो जाएगा बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ बताओ न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी देखो यहाँ पे ए क्या है कॉन्स्टेंट है, तो दोनों परमाणु के लिए ए बराबर ही आएगा, तो ए को छोड़ सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा जेड माइनस 1 और इसका स्क्वायर, देखो 1 ये जो लेमडा, ये जो है
फ्रीक्वेंसी है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो आप लोग को फार्मूला मालूम होगा, वन अपान लैम्डा, इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, वन अपान लैम्डा भी लिख सकता हूँ। तो ओवरऑल क्या आ गया हमारे पास, वन अपान लैम्डा किस पे डिपेंड कर रहा है, जेड माइनस वन पे डिपेंड कर रहा है स्क्वायर के रूप में, इस टाइप से ये डिपेंड कर रहा है। तो ये हमको फार्मूला आ गया, ठीक है, तो इसको भी डिपेंडेंसी रहने दो, ऐसा ये फार्मूला हमको मिल गया। अब हमको देखो लैम्डा एक का गिवन है, जेड भी एक का गिवन है, दूसरे का लैम्डा हमको निकालना है, जेड गिवन है, तीन चीज़ गिवन है, एक चीज़ निकालना है, तो आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, ये हो जाएगा वन अपान लैम्डा मोबेल्डेनियम, ठीक है, जो भी यहाँ पे दिया गया है, ये हो जाएगा अपान में वन अपान लैम्डा कोबाल्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, जेड माइनस वन, जेड माइनस वन मतलब यहाँ पे मोबेल्डेनियम माइनस वन इसका स्क्वायर अपॉन जेड कोबाल्ट माइनस वन इसका स्क्वायर, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, दोनों परमाणु के लिए निकाल दिया अलग अलग। तो अब हम बताओ क्या हो जाएगा, वन अपॉन लैम्डा मोबेल्डेनियम का मान क्या है, हमको गिवन है, क्या दिए गिवन है भाई, तो 0.75 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, तो 0.75 एंगस्ट्रॉम, इसको मैं ऊपर भेज देता हूँ, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, लैम्डा कोबाल्ट, ठीक है, बटा का बटा है तो ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा इतना। और यहाँ पे से जेड मोबेल्डेनियम इसका मान क्या है, 42.1, तो इसका स्क्वायर यहाँ पे 27.1, तो इसका स्क्वायर समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये गिवन है ना, तो यहाँ से हमको सिर्फ निकालना क्या है, लैम्डा कोबाल्ट का मान, तो मैं इसको उधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा 0.75 एंगस्ट्रॉम को मैं लिख देता हूँ 10^10 मीटर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 41 का वर्ग कितना होता है, तो निकाल लो, याद नहीं होगा तो ये हो जाएगा 4 × 4 = 16, ये हो जाएगा 4 × 4 = 8 = 6 = 16 = 81, ठीक है, इतना ही होता है, आई थिंक इतना ही होता है, ठीक है, तो इसको लिख लेना 1681, और बटा में कितना हो जाएगा, 26 का वर्ग, तो 26 का वर्ग मतलब निकाल लो, 6 × 36 हासिल में 3, 6 × 2 = 12, 12 × 3 = 15, और ये जाएगा 26 × 2 = 52, तो 5 × 2 = 7, 5 × 1 = 6, 676, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 676, बस इसको सॉल्व करेंगे तो जो मान आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, लैम्डा कोबाल्ट का मान होगा, ठीक है, तो मैं इसको एक बार देख के लिख लेता हूँ क्या आंसर आएगा, तो इसका मान आता है लैम्डा कोबाल्ट का मान वो आएगा 1.865, ये एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इसको चाहो तो एंगस्ट्रॉम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो लैम्डा कोबाल्ट का मान क्या आ गया एंगस्ट्रॉम में, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, सबसे पहले क्या करना है, इसमें डिपेंडेंसी देखना है, जो चीज़ गिवन है उसी से ही हमको निकालना है, जो चीज़ पूछा गया है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिपेंडेंसी देखना पड़ेगा, लैम्डा जेड पर कैसे डिपेंड करता है, तो ये वाला फार्मूला मोस्टली लॉ से हम लोग निकाल सकते हैं कितना डिपेंड करता है, जेड माइनस वन का होल स्क्वायर इस पर डिपेंड करता है, दोनों के लिए निकाल लो, आराम से लैम्डा कोबाल्ट का मान निकल जाएगा, तो ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और ठीक है, इसमें इतना ही न्यूमेरिकल बता देते हैं, बाकी और न्यूमेरिकल जो बचा हुआ है उसको आप चाहो तो बुक से देख के कर लेना, समझ में आ जाएगा, इजी से न्यूमेरिकल है, और ठीक है, तो इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट करा दिया मैं, पूरा जितना भी न्यूमेरिकल मेरा कराना था, और जो पिछले थ्योरी जो पढ़ाया उसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना, याद कर लेना, एग्जाम में हो सके तो पूछ सकते हैं दिस क्वेश्चन, तो इस पूरे चैप्टर को यहीं पर ओवर करते हैं, ठीक है, और जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा मोलिकुलर स्पेक्ट्रा, उसमें क्या करेंगे, जो आणविक भौतिकी है उसको पढ़ेंगे, तो वो भी बहुत बढ़िया चैप्टर है, एकदम मस्त चैप्टर है, तो मज़ा आएगा उसको पढ़ने में, और यदि ये लेक्चर पसंद आया होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों में भी शेयर कर देना, और जो भी पूछना होगा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, बाय बाय।